हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटकारा मटन तंदूरी बोटी। बहुत ही जल्दी बनती है, बिना तंदूर बिना ओवन के ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। जो इसको एक बार बनाएगा वो समझो बस खुशी हो जाएगा ये न्यू रेसिपी देखकर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करती हूँ, इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। और इसको बिना चटनी, इसको किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हमने लिया है मटन और ये बोनलेस पीसेस हमने लिया है, इसमें हड्डी नहीं है, बस ऐसी सादी पीस जो होती है ना, बस वही हमने लिया है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसे थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे दही। दही एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। अगर दही में पानी हो तो उसे एक छन्नी में, मतलब कपड़े में रख कर उसको छान लीजिएगा। पानी वाली दही नहीं चाहिए, ऐसे गाढ़ी दही चाहिए, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कच्चे पपीते का पेस्ट, अगर आपके पास उसका पाउडर हो तो उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने डाला है तंदूरी मसाला, चिकन का था पर उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वीबा का पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है, एकदम अलग सा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा अगर पॉसिबल हो तो। उसको डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, वो मतलब रेस्टोरेंट वाला कलर आना चाहिए ना, एकदम रेड रेड सा। तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा हम इसमें नींबू डाल देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक ना एक चीज़ तो भूल ही जाती हूँ, तो इसमें मैं नींबू डालना भूल गई थी, काट के रखी थी पर ध्यान नहीं गया उस तरफ, क्योंकि वीडियो में, वीडियो बनाते टाइम ना, मतलब बस सारा फोकस रहता है मोबाइल के ऊपर और जो हम सामान बनाते हैं, जो रेसिपी बनाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो चलिए कोई नहीं, याद आ गया तो अच्छी बात है। इसको मिक्स कर देंगे, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि पपीता जो है वो अच्छे से गोश्त को मतलब सॉफ्ट कर देगा। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो पपीता नहीं डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी मतलब वो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें इसे कुकर में थोड़ा सा गलाना है। तो बस गैस पे रख देंगे कुकर और सारे अपने ये मटन जो हमने रखा था ना मैरिनेट करने के लिए उसको डाल देंगे। बाउल में थोड़े से मसाले लगे थे, उसको खंगाल कर थोड़ा मतलब 1/2 कप के करीब पानी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे स्पून एकदम गर्म हो गया है, तो मैं इसको हटा के दूसरे स्पून से इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कैसे, कितने पानी में अच्छे से गोश्त गल जाएगा। वैसे तो मैंने कच्चा पपीता डाला है तो जल्दी ही गल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे मैरिनेट भी किया है। ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने देंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी एक साइड, तो ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, पर जला नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ऐसे चिपक गया था। तो चलिए बस ऐसे ही करना है, अगर पानी हो तो आपको भी ड्राई करना ही पड़ेगा। तो बस ड्राई, अगर पानी हो, ड्राई करने के बाद हम रखेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे देसी घी। बटर या देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। अब अपने सारे पीसेस को हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। तो बेसिकली हमें ना गोश्त को हल्का सा फ्राई करना है, इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग आनी चाहिए बहुत ही अच्छी सी। वैसे तो मेरे कुकर ने ही वो काम कर दिया था, इधर मैं रोटी बना रही थी उधर ध्यान नहीं आया मुझे, मतलब आया था जब हल्की खुशबू लगी ना, तब मैंने गैस को जल्दी से फटाफट बंद किया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे, घी का टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक स्मोकी फ्लेवर, वो तंदूर वाला टेस्ट जो आता है ना वो। तो मैंने एक छोटे से कोयले को पहले से ही गर्म कर लिया था, अब उसके ऊपर डाल देंगे 1/2 टीस्पून देसी घी। और जब इसमें से ऐसे धुआं निकलने लगेगा ना, फिर हम इसे कवर कर देंगे। तो मैंने ना यहाँ पे कोयला थोड़ा छोटा सा लिया था, तो इसको हम ढककर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से पूरा स्मोक इसमें मटन में आ नहीं जाता। अगर आपका कोयला बड़ा हो तो फिर आप 5 मिनट के लिए सिर्फ रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं। और बस यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये बन के तैयार है। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है।
तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसको तोड़ के अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक्का बोटी हमारी बन के तैयार है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। सॉरी वीडियोस बहुत दिन से नहीं आ रही हैं, मतलब बनी तो थी पर मैंने अपलोड नहीं की थी, और पर अब डेली वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर नींबू डाल के खाती हूँ। वैसे आप इसको दही वाली हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, पर ये नींबू के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इतनी अच्छे से ये सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।